हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाटीडीट। आज का टॉपिक रहेगा बाल्यावस्था। सहसावस्था को हमने कंप्लीट करवा दिया है, इसके बाद टॉपिक है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था की जो एज है वो है 6 से 12 वर्ष। 6 से 12 वर्ष बाल्यावस्था की उम्र मानी गई है तथा बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो आता है वो 6 से 9 वर्ष तक की आयु। बाल्यावस्था को प्रथम 6 से 9 वर्ष तक की अवस्था को जो है पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं तथा 9 से 12 वर्ष तक की जो आयु होती है उसे हम उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। तो बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया। पहली जो एज है वो 6 से 9 वर्ष तक, उसके बाद दूसरी एज 9 से 12 वर्ष तक। तो ये 6 से 9 वर्ष तक एज रहती है इसे हम कहते हैं पूर्व बाल्यावस्था तथा 9 से 12 वर्ष तक की आयु को कहते हैं उत्तर बाल्यावस्था। और केवल यदि बाल्यावस्था की बात की जाए तो बाल्यावस्था की एज रहती है 6 से 12 वर्ष। नेक्स्ट पॉइंट है बाल्यावस्था के प्रमुख उपनाम या विशेषताएं आप कह सकते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट है स्थूल संक्रियात्मक अवस्था। बाल्यावस्था को स्थूल संक्रियात्मक की अवस्था कहते हैं। बाल्यावस्था को अनोखा काल कहते हैं। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है कोल एंड ब्रूस ने। एक मनोवैज्ञानिक थे कोल एंड ब्रूस। कोल एंड ब्रूस ने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है। नेक्स्ट पॉइंट है बाल्यावस्था को निर्माण काल की अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि भावी जीवन की सफलता और असफलता के नींव की काल भी बाल्यावस्था को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रारंभिक विद्यालय की आयु। बाल्यावस्था को प्रारंभिक विद्यालय की आयु कहते हैं, क्योंकि जब बालक 6 वर्ष का हो जाता है तो वो विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है और कक्षा 1 में प्रवेश करता है। तो प्रारंभिक विद्यालय की जो आयु है वो बाल्यावस्था को कहते हैं। नेक्स्ट है वैचारिक क्रिया की अवस्था। वैचारिक क्रिया की अवस्था बाल्यावस्था को कहते हैं। नेक्स्ट है बाल्यावस्था में जब बालक होता है तो वो टोली दल समूह बनाने लगता है, अर्थात अपने मित्र बनाने प्रारंभ कर देता है, जिसमें ज़्यादातर बाल्यावस्था में बालक टोली दल या समूह में ग्रुप में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहते हैं। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का जो काल कहा है ये कहा है एक मनोवैज्ञानिक है रास। रास मनोवैज्ञानिक ने बाल्यावस्था को मिथ्या या छदम परिपक्वता की अवस्था कहा है। नेक्स्ट पॉइंट है बाल्यावस्था को खेल की आयु भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रतिद्वंद्विता समाजीकरण का काल। प्रतिद्वंद्विता समाजीकरण का जो काल है ये एक मनोवैज्ञानिक थे किलपैट्रिक महोदय ने बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्विता समाजीकरण की काल कहा है। नेक्स्ट है बाल्यावस्था की प्रमुख परिभाषाएं। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा बाल्यावस्था की कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। सबसे पहली परिभाषा है रास महोदय के द्वारा। रास ने परिभाषा दी है बाल्यावस्था को मिथ्या या छदम परिपक्वता का काल कहते हैं। बहुत ही ये इंपॉर्टेंट परिभाषा है, एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है। नेक्स्ट है ब्लेयर जॉनसन एंड सिंपसन के अनुसार दृष्टिकोण से बाल्यावस्था से अधिक जीवन में कोई महत्वपूर्ण अवस्था नहीं है। नेक्स्ट परिभाषा है स्ट्रेंग के अनुसार। स्ट्रेंग महोदय ने कहा है बालक अपने को अति विशाल संसार में पाता है, वह उसके बारे में जल्दी से जल्दी जानकारी प्राप्त करना चाहता है। नेक्स्ट परिभाषा है सिगमंड फ्रायड के अनुसार। सिगमंड फ्रायड ने कहा है बाल्यावस्था को काम की प्रसुप्ता अवस्था कहा है। ये इम्पोर्टेंट परिभाषा है, बाल्यावस्था को काम की प्रसुप्ता अवस्था किसने कहा है तो सिगमंड फ्रायड ने कहा है। नेक्स्ट फ्रायड की परिभाषा है बाल्यावस्था बालक के निर्माण काली काल है। ये जो दोनों परिभाषा है सिगमंड फ्रायड और फ्रायड की ये बहुत ही इम्पोर्टेंट परिभाषा है। नेक्स्ट है परिभाषा बर्ड के अनुसार। बर्ड ने कहा है बाल्यावस्था भ्रमण व साहसिक कार्यों की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। नेक्स्ट परिभाषा है स्ट्रेंग महोदय के अनुसार ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक न खेलते हों।
नेक्स्ट परिभाषा है किलपैट्रिक महोदय के अनुसार बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्वितात्मक समाजीकरण का काल कहा है। नेक्स्ट है कोल एंड ब्रूस के अनुसार बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो परिभाषा है वो है रास महोदय के अनुसार कि बाल्यावस्था को मिथ्या या छद्म परिपक्वता का काल कहते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है सिगमंड फ्रायड की, ये दोनों परिभाषाएँ, और किलपैट्रिक और कोल एंड ब्रूस की परिभाषा। ये परिभाषा कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। नेक्स्ट है बाल्यावस्था से रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट या विशेषताएं, जिसमें सबसे पहले है कि बाल्यावस्था में बालक का जो शारीरिक विकास होता है वो स्थिर हो जाता है और मानसिक विकास में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है मानसिक योग्यताओं में अधिक वृद्धि होती है। नेक्स्ट पॉइंट है जिज्ञासा की प्रबलता रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है बाल्यावस्था वास्तविक जगत से संबंध होता है। नेक्स्ट बाल्यावस्था में जब बालक होता है तो वो आत्मनिर्भर की भावना उत्पन्न हो जाती है, अर्थात वो स्वयं कार्य करना चाहता है, किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहता। नेक्स्ट है रचनात्मक कार्यों में आनंद है। बाल्यावस्था में जब बालक नए नए कार्य करता है तो उसमें उस कार्य करने में आनंद मिलता है। नेक्स्ट है सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता होती है, इसलिए इस अवस्था को समूह की अवस्था कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बाल्यावस्था में बालक में सामाजिक गुणों का विकास होता है और नैतिक गुणों का विकास होता है। नेक्स्ट है इस अवस्था में संग्रह करने की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है, इसी संग्रह करने की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है, अर्थात वस्तुओं को ये बहुत ही अधिक संग्रह करते हैं। खिलौने हो गए या और कोई वस्तु हो गए जो बच्चों को पसंद आते हैं वो उन्हें लेना संग्रह करते हैं। नेक्स्ट है संवेगों पर नियंत्रण प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होता है। शैशवावस्था में जब बालक होता है तो उसमें शैशवावस्था में बालक में अंतर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होता है, जबकि बाल्यावस्था में बालक में बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास हो जाता है। नेक्स्ट है सामूहिक खेलों में अभिरुचि अधिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट है निरुद्देश भ्रमण की प्रवृत्ति पाई जाती है। नेक्स्ट है भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है समलिंगी समूह भावना का विकास होता है, अर्थात बाल्यावस्था में जो बच्चे मित्र बनाते हैं वो लड़का है तो लड़के को मित्र बनाएंगे और लड़कियां जो हैं गर्ल्स वो गर्ल्स को ही मित्र बनाती हैं, जबकि किशोरावस्था में ये जस्ट अपोजिट हो जाता है। नेक्स्ट है खेल में रुचि अधिक होती है, इसलिए इस अवस्था को खेल की आयु भी कहते हैं। बाल्यावस्था को खेल की आयु भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बाल्यावस्था में शारीरिक विकास। यदि बाल्यावस्था में भार की बात की जाए तो बच्चों की जो भार होता है वो 36 किलो से 43 किलो के बीच हो जाता है। नेक्स्ट है लंबाई, जो बाल्यावस्था में बालक की लंबाई होगी वो 42 से 50 इंच तक हो जाती है। नेक्स्ट है इस अवस्था में भार की तुलना में लंबाई ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है सिर का विकास, 10 वर्ष में बालक का सिर 95% विकसित हो जाता है और सिर का भार जो है 1260 ग्राम हो जाता है। यही किशोरावस्था में बढ़कर सिर का जो विकास है वो 1350 ग्राम तक हो जाता है। नेक्स्ट है हड्डियाँ, बाल्यावस्था में हड्डियाँ हैं 270 से बढ़कर 350 तक हो जाती हैं, अर्थात जब शैशवावस्था में बालक होता है तो हड्डियों की संख्या होती है 270, बाल्यावस्था में आने पर हो जाती है 350, और जब किशोरावस्था में बालक पहुंचता है तो हड्डियों की संख्या हो जाती है 206। नेक्स्ट है दांत, बाल्यावस्था में जो दांत हैं 28 दांत निकल आते हैं और किशोरावस्था में आते आते इनमें 32 दांत हो जाते हैं। नेक्स्ट है शारीरिक वृद्धि की दृष्टि से मंद की अवस्था कहते हैं। बाल्यावस्था में जो बालक का जो शारीरिक विकास होता है वो बहुत ही धीमी गति से होता है, इसके लिए इसको शारीरिक वृद्धि की दृष्टि से मंद की अवस्था कहते हैं, परंतु क्रियाशीलता की अवस्था अधिक रहती है। नेक्स्ट है बाल्यावस्था में मानसिक विकास, बाल्यावस्था में मानसिक योग्यताओं में अधिक वृद्धि होती है। जब बालक 6 वर्ष का होता है
तो बालक चित्र की वस्तुओं का वर्णन करने लगता है, और जब बालक 7 वर्ष की अवस्था में आएगा तो बालक साधारण वस्तुओं में अंतर करना सीख जाता है। 9 वर्ष में आते ही बालक दिन, समय, दिनांक, वार और वर्ष ये सभी बताने लगते हैं तथा सिक्के की पहचान करना सीख जाता है। ये सभी जो पॉइंट हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, इन्हें आप ज़रूर याद कर लें। नेक्स्ट है 11वां वर्ष। 11 वर्ष में आते ही बालक में तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण शक्ति का विकास हो जाता है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कितने वर्ष में बालक दिन, समय, दिनांक या वर्ष ये सभी पहचानना शुरू कर देता है, तो आपका राइट आंसर होगा 9 वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि बालक कितने वर्ष में बालक तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण शक्ति का विकास हो जाता है, तो 11 वर्ष की अवस्था तक। नेक्स्ट है तर्क व स्मरण शक्ति द्वारा मानसिक विकास होता है। नेक्स्ट है बाल्यावस्था में बालक में बहिर्मुखी प्रवृत्ति पाई जाती है। नेक्स्ट है समाजीकरण द्वारा मानसिक विकास होता है। जिज्ञासा के प्रबलता द्वारा मानसिक विकास होता है। जॉन लॉक महोदय ने एक परिभाषा दी है कि बालक का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है जिस पर वह अनुभव से लिखता है। इम्पॉर्टेंट परिभाषा है, बालक का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है जिस पर वह अनुभव लिखता है। नेक्स्ट है बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप। भाषा के विकास पर बल देना चाहिए, करके सीखने पर आधारित शिक्षा देना चाहिए, बच्चों की रुचि के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, रचनात्मक कार्यों की व्यवस्था करनी चाहिए। नेक्स्ट है जिज्ञासा की संतुष्टि प्रदान करना चाहिए। यदि कोई बच्चा कोई क्वेश्चन या प्रश्न कर रहा है तो वो प्रश्न को सॉल्व करना चाहिए और उसकी जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। नेक्स्ट है पाठ्य सहगामी क्रियाओं पर अधिक बल देना चाहिए, संवेगों का प्रदर्शन अवसर देना चाहिए। नेक्स्ट है स्नेह युक्त व्यवहार करना चाहिए। बाल्यावस्था की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। बाल्यावस्था को मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था भी कहते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था वह अवस्था है जिसमें छात्र उसी वस्तु के बारे में चिंतन करता है जिन्हें वह अपनी आंखों के सामने देखता है, अर्थात जो उन्हें दिखाई देता है वह उसी के संबंध में चिंतन कर पाते हैं। ये अवस्था अमूर्त कम और मूर्त ज़्यादा होती है, जबकि बाल्यावस्था में बालक अमूर्त चीज़ों के बारे में चिंतन अधिक करता है, अर्थात जो चीज़ उसने देखी नहीं उसके बारे में भी वो चिंतन करता है, जबकि बाल्यावस्था में बालक सिर्फ उन्हीं चीज़ों के बारे में चिंतन करेगा जिसने उसने देखा है। यदि किसी कोई अच्छी बिल्डिंग देख ली तो वो उसके बारे में चिंतन करेगा, या और कुछ देख लिया तो उसके बारे में चिंतन अधिक करता है। बाल्यावस्था को खेल की अवस्था कहते हैं, यानी कि गेमिंग स्टेज। इस अवस्था को खेल की अवस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस अवस्था में बालक का मन बहुत चंचल होता है और वह बहुत अधिक सक्रिय होता है। इस अवस्था में लगभग 95% बालक खेलने में अपनी रुचि अधिक प्रकट करते हैं। निर्माणकारी अवस्था। बाल्यावस्था को निर्माणकारी अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था को निर्माणकारी अवस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अवस्था छात्रों के व्यक्तित्व एवं चरित्र का निर्माण करती है। नेक्स्ट है सामुदायिक अवस्था। बाल्यावस्था को सामुदायिक या सामाजिक अवस्था कहते हैं क्योंकि इसमें बालक समूह में रहना काफ़ी पसंद करता है। स्वयं को अकेले रहने में वे असहज महसूस और शांत अवस्था में चले जाते हैं, इसलिए इसे सामुदायिक अवस्था भी कहते हैं। संवेदनशीलता अवस्था। संवेदनशीलता अर्थात इस अवस्था में बालक किसी कार्य करने हेतु अधिक उत्तेजित एवं विश्वसनीय योग्य होते हैं। नेक्स्ट है चिंतन। इस अवस्था में बालक चिंतनशील हो जाते हैं और वह सही गलत की पहचान करने लगता है, किसी विषय की तय तक जाने का प्रयास करता है एवं वस्तुओं को समझने का प्रयास करता है। ये अवस्था बेहद महत्वपूर्ण अवस्था होती है क्योंकि इस उम्र में छात्रों के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। ये अवस्था में अगर बालकों को सही मार्गदर्शन नहीं मिलता तो वह गलत दिशा एवं कार्यों की ओर भी अग्रसर हो सकते हैं। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका बाल्यावस्था जो टॉपिक है ये टॉपिक आज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा किशोरा अवस्था।